महाराज दशरथ जी की अंतिम आज्ञा थी, कैकेयी मेरे बदन को स्पर्श न करे, प्राण तो मेरे निश्चित है, छोटे नहीं है। इतना कहते कहते महाराज दशरथ वारे जीवन धन्य हो गया और राम के विरह में महाराज दशरथ ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर विरह, राव गयो सुर धाम, राव गयो सुर धाम। महाराज दशरथ राम 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 कितनी बार बोले, राम छह बार। वहां सुमंत्र थे, कौशल्या थे, सुमित्रा थी, कैकेयी अभी नहीं आई है, क्योंकि कैकेयी तो अलग ही अपना अवसर रूपरेखा बना रही है कि बेटा भरत आएगा तो राजा बना देंगे। इतना कह करके महाराज दशरथ जी के प्राण चले गए। जीवन मरण फल ये सब विस्तार बहुत है, विस्तार में इसका आनंद अलग होता है। जीवन मरण फल दशरथ पावा, महाराज दशरथ जी ने जीने और मरने का फल प्राप्त कर लिया। जीना है तो राम जी के लिए और मरना है तो राम जी के लिए। मर गए राम जी के विरह में, मृत्यु हो गई। वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न को बुलवाया है, भरत शत्रुघ्न आते हैं। आप देखिए कि कितनी निष्ठुर हो गई कैकेयी, उनके पति का मरण हो गया है और जब बेटा आया है तो वो सज करके अपने बेटे के सामने जाती है कैकेयी। कितनी निष्ठुरता आ गई थी, विधि इच्छा की अलग विषय है, पर आरती उतारने लगती है भरत जी की जब भरत शत्रुघ्न आए हैं और बोली कि तात बात में सकल समाई, भय मंथरा सहाय बिचारी। मंथरा को कहती है बिचारी, यदि ये सहयोग नहीं करती तो तुमको राजतिलक नहीं मिलता। मुझे राजतिलक? भरत जी ने कहा मुझे? मेरे भैया राम जी कहाँ हैं? बोले वो सब बताती हो, थोड़ी देर रुक इंतजार करो। धीरे धीरे बता रही है अपनी कमी, धीरे धीरे बता रही है। बोले कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, तुम्हें राजगद्दी का वरदान मांगने के चक्कर में एक बात बिगड़ गई, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। भूपति सुरपत पुर पगुधार्यो, भूपति सुरपत पुर पगुधार्यो। कहा रे माता, आखिर पिताजी की मृत्यु क्यों हुई? बहुत दुखी होकर के आर्तनाद करके अब कारण बताइए। तब बताया कि राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मैंने मांग लिया और जैसे ही ये बात कही तो भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गयो। भरत जी भूल गए अपने पिता की मृत्यु और राम जी की याद आ गई। अरे क्यों ये सब किया माते? तब भरत जी ने माता को यहाँ बहुत उल्टा सीधा कहा। पेड़ काट कर पारो सींचा, मीन जियन नित भारी उलीचा। पेड़ काट करके पत्ते को पानी दे रही है, अरे मछली कहीं जिंदा हो सकती है कि पानी निकाल दो और मछली को छोड़ दो? राम के विरह में तूने एक ऐसे सोच लिया कि मैं जिंदा रह जाऊंगा। और वारे भरत बाब, यह बहुत अपवाद, बहुत सारी बातें माता को कहा। माता 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 माता, तू मेरी माता है, माता का पद तो ऊंचा होता है, माँ तो भगवान से मिलाती है। माता मैं संकल्प करता हूँ कि आज से अब मैं तुम कभी माँ नहीं कहूंगा, तो मेरी माता नहीं है। माता तो वो है जो अपने बेटे को भगवान से मिला दे। तूने अपने बेटे को दूर कर दिया और शत्रुघ्न, यदि मैं राजा, मेरे पिता ने राजा कहा था ना, तो मेरा भी एक आदेश है कि शत्रुघ्न किनारे सर झुके मुझको तुम फिर पहुंचा देना, और करके तुम पिता की दाह करम मुझको भी आग लगा देना। भरत जी कहते हैं, हे शत्रुघ्न,
पिता का दाह कर्म जब हो जाए तो मेरी एक बात तो मान लेना कि उसी पिता के बगल में मेरी भी चिता सजा करके मैं नहीं जीना चाहता। मेरी वजह से मेरे पिता का मरण हुआ, मेरी वजह से मेरे भैया प्राणों से प्रिय भैया राम जी जंगल गए, अब मुझे जी करके क्या करना है। इसलिए हे शत्रुघ्न, मेरी एक अंतिम आज्ञा ये भी तुम मान लेना। शत्रुघ्न तो छोटा है, शत्रुघ्न क्या माने, किसकी बात माने। इस समय शत्रुघ्न ने मंथरा को दंड दिया कि अरे मंथरा, तेरी वजह से तब भरत जी को दया आ गई कि छोड़ दो, इसको छोड़ दो। भरत दयानिध दीन छोड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई भाई। भरत दया के खजाना है, बोले इसका कोई दोष नहीं है, कौशल्या के चरणों में गए, गिर गए माते। यदि कहीं मन में ये ना सोच लेना कि भरत ननिहाल में गया था, भरत का कोई इसमें योजना था, माँ से भरत मिला हुआ था, माता में सौगंध खाता हूँ कि बेच ही वेद, जो लोग वेद को बेचते हैं, वेद बेचना बहुत बड़ा पाप है। बेच ही वेद धर्म दुहिले ही, और जो धर्म को दुहते हैं अर्थात धर्म को मात्र धंधा बना रखे हैं, ऐसे लोगों की जो गति हो मेरी गति हो, यदि मेरा कोई इसमें इच्छा रही हो माते। बेच ही वेद धर्म दुहिले ही, पिसुन पराए, पिसुन कहते हैं चुगलखोरी, जो चुगलखोरी करता हो, चुगलखोरी करना बहुत बड़ा पाप होता है, चुगली खाना इधर की उधर करना, इससे बड़ा पाप कुछ है ही नहीं। भरत जी कहते हैं चुगलखोरी का जितना पाप लगता हो वो पाप मुझे माता लगे, यदि मेरी इसमें कहीं रत्ती भर इच्छा हो। मैं नहीं जानता ही माता ने ऐसा क्यों किया, मेरी माँ कैसे कुमाता हो गई। अरे बरमागत मन भय नहीं पीरा, घर में जी मुंह भरे न कीरा। अरे मेरी माता के जब इसने बलिदान मांगा तो जीव के टुकड़े क्यों नहीं हो गए, इनके मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। एक बेटा अपने माँ के लिए कह रहा है, गर न जी मुंह पड़े न कीरा, हे मैया इसमें मेरा मत नहीं है। अरे थन पै सब नयन जल छाए, कौशल्या मैया के आंख से आंसुओं का झरने का सैलाब बह गया। अरे भरत कैसी बात तो कह रहा है, क्या मैं तुझे नहीं जानती कि मेरा भरत राम से कितना प्रेम करता है। यदि राम जी के लिए कोई कह देता तो मैं एक बार मान लेती, पर भरत मैं तुम्हारे लिए नहीं मान सकती कि इसमें तेरा मत था, तो चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा, कौशल्या मैया ने समझाया। बहुत समझाया, पिताजी का दाह कर्म करने के बाद में अगले दिन बैठक होती है, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने समझाया कि राजगद्दी पर बैठ जाओ, बहुत समझाया। हानि लाभ जीवन मरण यसे अपियस विधिहात, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलकि कहे मुनिनाथ। होनहार बहुत प्रबल होता है इसलिए चिंता मत करो, बहुत समझाया। पर भरत जी ने क्या कहा कि मोहि राज हठ देई हो जब ही, रसा रसा तल जाए ही तब ही, रसा रसा तल जाए।